कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में खास तौर से सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज की कीमतों के बारे में देखेंगे किस तरह की कीमतें बाजारों में आज चल रही है। सोयाबीन में किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड बाजारों में आज के दिन देखा जा रहा है। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो जो लाइक का बटन है आप उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सोयाबीन के बारे में अगर बात करते हैं, कीमतों में उत्पादक मंडियों में लगातार दूसरे दिन 50 से लेकर 75 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। और उधर शिकागो के बारे में अगर बात करते हैं तो सोयाबीन, सोया तेल और मील के दाम कमजोर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कीमतों के बारे में जान लेते हैं तो महाराष्ट्र में लातूर में जो रेट चल रहा है धनराज प्लांट का वो 5350 है। ऑक्सीजन प्लांट की कीमतें बाजारों में 5300 रुपए देखी जा रही है। दुनिया में डिस्टान प्लांट का रेट 5350 से 73 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कारोबार देखा जा रहा है। और कीर्ति में सोलापुर प्लांट का रेट बाजारों में आप 5400 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, प्रकाश प्लांट का जो रेट है मध्य प्रदेश में वो 5050 है। प्रेस्टीज प्लांट की कीमतें 5100 रुपए चल रही है। रुचि प्लांट का रेट 4950 देख कर आप चल सकते हैं। सावरिया प्लांट का रेट 4975 चल रहा है। और कृति प्लांट की कीमतें बाजारों में 5000 रुपए मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। तो बाजारों में, घरेलू बाजारों में आपको विदेशी बाजारों को देखते हुए सीमित तेजी और मंदी बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी फिलहाल के लिए, क्योंकि खपत का सीजन चल रहा है, त्योहारी सीजन चल रहा है, तो अच्छी खासी डिमांड आने वाले समय में बनेगी। उसको देखते हुए बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो बाजारों में जो आज ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए स्टेबल नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आज अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।